यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं हिंदी में बोलूंगी और समृद्धि राहुल शिंदे जो कि थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती है उनको तुरंत इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करती है यह आपको देखना है। यहाँ पे कुछ स्टूपिड भी क्वेश्चन होंगे लेकिन इसीलिए हमने इसका नाम दिया स्टूपिड एक्टिविटी। मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। हम आम खाते हैं क्या? Do we eat mango? हम आम कब खाते हैं? When do we eat mango? हम आम कहाँ खाते हैं? Where do we eat mango? हम आम क्यों खाते हैं? Why do we eat mango? हम आम किसके साथ खाते हैं? With whom do we eat mango? हम कौन सा आम खाते हैं? Which mango do we eat? हम किसका आम खाते हैं? Whose mango do we eat? हम आम कैसे खाते हैं? How do we eat? हम यहाँ से कितनी दूरी तक आम खाते हैं? How far do we eat from here? हम कितनी बार आम खाते हैं? How many times do we eat mango? क्या वो लड़का खाता है? Does he eat? वो लड़का क्या खाता है? What does it? वो लड़का कब खाता है? When does it? वो लड़का कहाँ खाता है? Where does it? वो लड़का क्यों खाता है? Why does it? वो लड़का किसके साथ खाता है? Which mango does it? वो लड़का कौन सा आम खाता है? Which mango does it? वो लड़का किसका आम खाता है? Whose mango does it? वो लड़का कैसे खाता है? How does it? तू बोलती है क्या? Do you speak? तू क्या बोलती है? What do you speak? तू क्यों बोलती है? Why do you speak? तू कब बोलती है? When do you speak? तू कहाँ बोलती है? Where do you speak? तू किसके साथ बोलती है? With whom do you speak? तू कैसे बोलती है? How do you speak? तू कौन सी लैंग्वेज बोलती है? Which language do you speak? तू किसकी लैंग्वेज बोलती है? Whose language do you speak? तू कितनी बार बोलती है? How many times do you speak? तू क्लॉक के बारे में कुछ लाइन्स इंग्लिश में बोलकर बताएंगे तो क्या आप बता सकती है हमारे बच्चों को? वेरी गुड, चलिए बताइए। वी हैव बिग एंड ब्यूटीफुल क्लॉक, इट हैंग्स ऑन द वॉल, इट हैज टू हैंड्स, द फर्स्ट हैंड इज शॉर्ट एंड इट टेल्स आवर्स, एंड द लॉन्ग हैंड टेल्स अस मिनट्स, इट स्ट्राइक्स द आवर्स एंड इट टिक्स द ऑल द टाइम, देयर आर 12 फिगर्स ऑन द क्लॉक, दे आर वेरी क्लियर, आवर क्लॉक टेल्स द करेक्ट टाइम, सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्लॉक इज वेरी यूजफुल टू अस। वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, बिकॉज इंग्लिश में कहा जाता है नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश, तो अब मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ। क्या घड़ी दीवार पर लटकती है? डज इट हैंग ऑन वॉल? यह दीवार पर क्यों लटकती है? Why does it hang on wall? यह कहाँ लटकती है? Where does it hang? यह कैसे लटकती है? How does it hang? क्या यह टिक टिक करती है? Does it tick? यह टिक टिक क्यों करती है? Why does it tick? ये कहाँ टिक करती है? Where does it tick? ये कैसे टिक टिक करती है? How does it tick? क्या ये समय बताती है? Does it tell time? ये समय क्यों बताती है? Why does it tell time? ये कहाँ समय बताती है? Where does it tell time? यह कैसे समय बताती है? How does it tell time? क्या ये बड़ी है? Is it big? ये बड़ी क्यों है? Why is it big? क्या ये पुरानी है? Is it old? ये पुरानी क्यों है? Why is it old? ये कैसी है? How is it? क्या ये नई है? Is it new? ये नई क्यों है? Why is it new? ये कैसी है? How is it? क्या ये attractive है? Is it attractive? ये attractive क्यों है? Why is it attractive? ये कैसी है? How is it? क्या इसको two hands हैं? Does it have two hands? इसको two hands क्यों हैं? Why does it have two hands? इसको पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं सेंटेंसेस में, आपको वो मिस्टेक्स हमारे ऑडियंस को बतानी है। तो आर यू रेडी? ओके स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूंगी, आप पहले सुन लीजिए, मैं आपको एक एक सेंटेंसेस पढ़ के सुनाऊंगी, आपको वहाँ मिस्टेक बतानी है। yes. आज का टॉपिक है माई ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर लिव इन संगम नेम, यहाँ पे लिव्स होना चाहिए क्योंकि माई ग्रैंड मदर सिंगुलर है। ओके माई ग्रैंड मदर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर ऐसे सफिक्स आना चाहिए। वेरी गुड, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। शी वेक्स अप अर्ली, मैम वहाँ पे एस कैपिटल होना चाहिए। ओके फुल स्टॉप के बाद में एस कैपिटल होना चाहिए। वेरी गुड। एवरी डे शी गो टू टेम्पल, मैम यहाँ पे गोज होना चाहिए। गोज होना चाहिए बिकॉज शी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। शी नेवर क्वारल विथ एनीबॉडी, वहाँ पे क्वारल्स होना चाहिए। क्वारल्स होना चाहिए क्योंकि शी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। शी डोंट लाइक टू वॉच टीवी, मैम यहाँ पे डजंट होना चाहिए। डजंट होना चाहिए ओके क्योंकि शी के साथ में हमेशा डज का यूज होता है इसलिए यहाँ पर हम डजंट करते हैं। शी हेल्प्स माई मदर इन द किचन, वहाँ पे एस कैपिटल होना चाहिए। एस कैपिटल होना चाहिए। वेरी गुड क्योंकि फुल स्टॉप के बाद में हमेशा हम कैपिटल का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी डजंट रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, वहाँ पे रीड होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे डजंट लगाया। ओके डजंट के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, एस नहीं आता है। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, डू आई प्ले? यस यू प्ले। डू वी प्ले? यस वी प्ले। डू यू प्ले? यस वी प्ले। डू दे प्ले? Yes, they play. Does he play? Yes, he play. Does she play? Oh, yes, she play. Does it play? Yes, it play. Does Ram play? Yes, Ram plays. Does Shyam play? Yes, Shyam plays. Does my father play? Yes, your father plays. Does our father play? Yes, our father plays. Does your father play? Yes, my father plays. Does your father play? Oh, yes, our father plays. Does his father play? Yes, his father plays. Does her father play? Yes, her father plays. Does their father play? Oh, yes, their father plays. Does Ram's father play? Yes, Ram's father plays. Does Shyam's father play? Yes, Shyam's father plays. Very good.
एंड समृद्धि। आपको समझ में आ गया कि आपको आंसर्स कैसे देने हैं। अब मैं आपसे और इंग्लिश में क्वेश्चंस करूंगी, आपको केवल यस में ही आंसर देने हैं। ओके।